सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर के निरंजन, नेत्र सर्जन, संकट मोचन नेत्रालय, वाराणसी से हूँ। आज हम आप लोगों को मोतियाबिंद के बारे में सामान्य जानकारी देना चाहेंगे। एक ऐसी कॉमन बीमारी है जो एक निश्चित उम्र के बाद लगभग हर व्यक्ति को भारतवर्ष में हो ही जा रही है। मोतियाबिंद की कोई उम्र की सीमा नहीं होती है, छोटे बच्चों में भी हो सकता है, मिडिल एज में हो सकता है और लेट एज में भी होता है। लेकिन बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे सामने पड़ी होती हैं, जिसमें पढ़े लिखे लोग हों वो भी और अनपढ़ लोग हों वो भी काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि मोतियाबिंद हमें हो गया तो हम अक्सर लोग पूछते हैं कौन सा लेंस लगाएं, क्या करें। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब हम बहुत ही साधारण भाषा में हम देना चाहेंगे, जिससे कि सामान्य जनमानस भी इसको समझ पाए। सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि मोतियाबिंद होता क्या है। मोतियाबिंद आपके प्राकृतिक लेंस जो भगवान ने दिया हुआ है उसमें अगर धुंधलापन आ जाए, ओपेसिटी आ जाए, जिसके कारण से आपकी रोशनी कम होती है, तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद सामान्यतया दो तरह का माना जाता है, जिसमें कि एक में आपको दिन की रोशनी कम होती है, लाइट में, धूप में आपकी आँख चमकती है, गाड़ी चलाने में आपको दिक्कत होती है, उसको सेंट्रल कैटरेक्ट बोलते हैं, जो अधिकतर कम एज के लोगों में पाया जाता है। दूसरे तरह का होता है जिसमें कि दिन और रात दोनों की रोशनी आपकी सफ़र करती है, जो उम्र वाले व्यक्तियों में ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। और कुछ जन्मजात मोतियाबिंद भी होता है, बच्चों में होता है अक्सर, इसे हम लोग कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट बोलते हैं। मोतियाबिंद हो कोई भी समस्या का समाधान आज के विज्ञान के युग में लेंस प्रत्यारोपण है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोतियाबिंद में पूरे भारत सरकार का ये संकल्प है कि लेंस फॉर ऑल, जैसा कि पहले बिना लेंस लगाए सर्जरी हो जाया करती थी, आज के ज़माने में हमारा टारगेट होता है 2020 विजन के साथ कि सबके लिए लेंस प्रत्यारोपित हो। अब कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पैसे वाला, बिना पैसे वाला, सबके लिए कैसे ही लेंस प्रत्यारोपण हो, तो लेंस के कई सारे वैरायटीज़ उपलब्ध हैं हमारे विज्ञान के समय में। ऐसे में हम ऑपरेशन की जो विधि होती है वो मुख्यतः दो तरह की विधि होती है। एक होता है जिसे हम साधारण भाषा में चीर फाड़ वाला ऑपरेशन बोलते हैं, SICS उसको बोलते हैं, ECCE बोलते हैं, जो हुआ करता था पहले, जिसमें बिना टाकन लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन लंबा चीरा लगा करके लेंस को इम्प्लांट किया जाता है। उसमें हार्ड लेंस लगता है, लेंस हार्ड और सॉफ्ट दो तरह का होता है, तो वो लेंसेज लगाए जाते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई स्कीम की तरह ऑलमोस्ट सारे सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क प्रत्यारोपित किया जा रहा है। लेकिन विज्ञान के विकास के साथ एडवांस सेंटर्स पे अब हम लोग अत्याधुनिक तरीके से सर्जरी करते हैं, जिसमें कि अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल होता है। इसके द्वारा अब हम इंसीजन की साइज, जो चीरे की साइज है, उसको छोटा से छोटा से छोटा करते चले जा रहे हैं। आजकल सर्जरी 1.8 mm इंसीजन से हो जा रही है, 1.8 mm कलम के नोक के बराबर छिद्र के से आप लेंस को प्रत्यारोपित कर सकते हैं, जिसे हम फोल्डेबल लेंस बोलते हैं। इस फोल्डेबल लेंस में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्फेरिक, एक एस्फेरिक। सामान्य भाषा में कहेंगे एक SD स्टैंडर्ड डेफिनेशन, एक HD हाई डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन लेंसेज अगर आप लगाते हैं तो आपकी पिक्चर की क्वालिटी, विजन की क्वालिटी, डेप्थ परसेप्शन थोड़ा सा अच्छा मिलता है, शाम की रोशनी इसमें अच्छी मिलती है। तो ये पेशेंट के ऑप्शन दिया जाना चाहिए सिलेक्शन में कि आप किस कैटेगरी के लेंस पे आप जाना चाहते हैं। इसके बाद होता है लेंस का फंक्शन के आधार पर डिफ्यूजन, जैसे कि आप रोशनी, एक लेंस होता है मोनोफोकल, एक होता है टॉरिक, एक होता है मल्टीफोकल। तो मोनोफोकल लेंसेज होते हैं जिसमें कि आपको एक रोशनी मिलती है, चाहे आपको दूर मिले चाहे नज़दीक मिले, अगर आपकी आँख में सिलेंड्रिकल पावर नहीं है तो। और अगर सिलेंड्रिकल पावर आपकी आँख में है तो आपको मोनोफोकल लेंस लगाने के बाद भी दो चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी, दूर में भी नज़दीक में भी। ऐसे मरीजों के लिए टोरिक लेंस अत्युत्तम रहता है। टोरिक लेंसेज में क्या है कि आपका सिलेंड्रिकल पावर भी करेक्ट हो जाएगा, तो कम से कम दूर वाली रोशनी आपको सही मिलेगी, लेकिन नज़दीक में चश्मा आपको फिर भी लगाना पड़ेगा। अब कोई पेशेंट कहता है कि नहीं, हमें ऐसा लेंस बताइए कि हमें दूर नज़दीक दोनों दिखाई दे,
तो ऐसे मरीज में अगर सिलेंड्रिकल पावर आपकी आँख में नहीं है तो आपके लिए मल्टीफोकल लेंसेज अच्छे माने जाते हैं। मल्टीफोकल में आपको दूर, नज़दीक, पास तीनों आजकल ट्राईफोकल लेंसेज हैं जो कि आपको अच्छे से दिखाई देंगे। इसमें भी कई कैटेगरीज आ गए हैं। और अगर आपके आँख में सिलेंड्रिकल पावर है और आप कहते हैं नज़दीक की रोशनी भी हमको चाहिए, तो मल्टीफोकल टॉरिक लेंस आपके लिए बेस्ट है। सारे लेंसेज जो होते हैं विज्ञान के विकास के साथ इसमें रिफाइनमेंट्स आते जाते हैं और जितने हायर कैटेगरी में आप जाते जाएंगे उतना ही अच्छा डेप्थ परसेप्शन, उतना ही अच्छा कलर परसेप्शन और एडाप्टेबिलिटी ऑफ द लेंस आपको अच्छी मिलती चली जाती है, सेटिस्फेक्शन आपको अच्छा मिलता है। दूसरा, लोग कॉमन प्रश्न पूछते हैं कि देसी लगाएं कि विदेशी लगाएं। ये एक बड़ा ही वेग है, कंफ्यूज रहते हैं लोग अक्सर, पढ़े लिखे लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि देसी लगाएं कि विदेशी लगाएं। ऑफकोर्स जो लेंसेज अभी मार्केट में उपलब्ध हैं, हमारे देश में बनने वाले लेंसेज जैसे IOC कंपनी, अपर स्वामी कंपनी इत्यादि बना रही है, दूसरे लेंसेज जो आज तक 25-30 साल से मार्केट में रोम कर रही हैं, एल्कॉन है, जॉनसन एंड जॉनसन एबॉट है, कार्ल जाइस है, तो ये सब जो पहले से इस्टेब्लिश कंपनियां हैं, लेंसेज जो होते हैं वो सभी के फंक्शन जो होते हैं उसके प्रोडक्ट के आधार, जैसे कि अगर मोनोफोकल कैटेगरी में आप लेंस लगाते हैं तो मोनोफोकल कैटेगरी में भी हर कंपनी के लेंसेज अवेलेबल हैं। आप जितने ही हायर कैटेगरी में जाते हैं ऑफकोर्स उसमें रिफाइनमेंट्स बेटर होती हैं, लेकिन संतुष्टि रेट अगर आप कहेंगे तो हमारे इंडियन लेंसेज भी ख़राब नहीं है, वो भी 60 से 70% लोग वो लेंसेज लगा रहे हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी रोशनी को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपके पास भगवान ने पैसा दिया हुआ है, आप समर्थ हैं, सक्षम हैं, तो आप हवाई जहाज से यात्रा करें, जिनके पास नहीं है वो ट्रेन में जाएं, और जिनके पास नहीं है वो बस से जाएं, लेकिन यात्रा करनी है। रोशनी हर लेंसेज में उसके परफॉर्मेंस के आधार पे आती ही आती है। असली चीज़ होती है कि सर्जन किस तरीके से लेंस को प्रॉपरली इम्प्लांट कर देता है। अगर लेंस अच्छे से इम्प्लांट हो, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन रिस्क कम हो, तो कम रेंज के लेंसेज में भी आपको अच्छी रोशनी मिल सकती है। तो ये सामान्य जो प्रश्न थे जिसका मैंने जवाब दिया है। कई बार लेंस लगाने के बाद भी मरीज कहते हैं रोशनी बढ़िया नहीं आया, तो रोशनी आने का फैक्टर ये होता है कि अगर आपके पर्दे में खराबी है, आपके नस में खराबी है, अगर आपको ग्लूकोमा की शिकायत है, तो लेंस लगाने के पहले अपने डॉक्टर से संपूर्ण वेरिफिकेशन पहले ही करवा लेना चाहिए कि हमारे रोशनी आने की कितनी क्षमता हमारे आँख में है। आज के विज्ञान के युग में ये आपको स्पष्टतया बताया जा सकता है कि कितनी रोशनी आपकी आँख में आएगी। उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं जो आप डॉक्टर से आप शेयर करें, वो ज़रूर आपको बताएंगे इसके बारे में। और दूसरा प्रश्न एक होता है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे में जो मोतियाबिंद हो जाता है उसके क्या कारण है, तो उसके बहुत सारे जमजात रीजन होते हैं। माँ को अगर किसी प्रकार का रूबेला इन्फेक्शन, इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो उसके कारण से भी जमजात मोतियाबिंद होता है। तो छोटे बच्चों में हम लोग 2 साल से नीचे के बच्चे में लेंस अवॉइड करते हैं, अगर बहुत आवश्यक नहीं हो तो उसे हम लोग, जब स्टेबिलिटी आ जाती है थोड़ी सी आँख की, तब उसको लेंस हम लोग इम्प्लांट करते हैं ताकि उसके नंबर में वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं हो। तो ये सारे प्रश्न थे इसमें जो हमने मोतियाबिंद के बारे में आपको जानकारी दी है। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो जो पढ़े लिखे लोग हैं आजकल इंटरनेट पे वेबसाइट पे जाकर के सर्च करके देख सकते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं जो इंटरनेट फ्रेंडली नहीं है वे फ्री होकर के अपने डॉक्टर से प्रश्न पूछें, डॉक्टर ज़रूर इसका जवाब देगा। धन्यवाद।